कुछ लोग गलत अर्थ लगा रहे हैं, तो वो अर्थ नहीं है। ताड़ना का अर्थ जानना होता है। 7 वर्ष की उम्र में जब बच्चों का खेलने का समय होता है तो आपकी बालिका अनुष्का पाठक जी जो है कथा वाचिका बन जाती हैं। किस तरीके का प्रयास रहा? और बच्चों को भी उपदेश देती हैं कि आप लोग जो है अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करें, अधिक से अधिक समय पढ़ने में बिताएं। इस वाक्य को आप किस नजरिए से देखते हैं, करत करत अभ्यासते या फिर भगवत कृपा? ताड़ना का अर्थ मारना नहीं होता है। जहाँ अनुष्का पाठक जी लोगों को ज्ञान देती हैं, तो क्या इनके शिक्षा से संबंधित आप लोग इनका एडमिशन वगैरह स्कूलों में कराए? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं तेज प्रताप और हम इस समय हैं कुशीनगर जनपद में। कुशीनगर जनपद का कहा जाए तो ये पूर्वी छोर है, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पे बिहार बॉर्डर प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, जिस तरीके से सनातन धर्म को बचाने के लिए, सनातन संस्कृतियों को बचाने के लिए हमारे योगी महात्मा संत महापुरुष आज तक संघर्ष करते चले आए हैं, ठीक उसी का अपोजिट इस समय हो रहा है कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा। जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का एक बयान आया है, ढोल गवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस पे उन्होंने एक विवादित बयान दिया और सुर्खियों में चल रहे हैं। हमारे साथ एक 7 वर्षीय कथावाचक अनुष्का पाठक जी जुड़ रही हैं, कुशीनगर जनपद से हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, इनकी 7 वर्ष की उम्र है और 7 वर्ष की उम्र कहा जाए तो बच्चों का जो है खेलने कूदने का समय होता है, और पारिवारिक जन से भी जानने का प्रयास करेंगे कि इनको जो है शिक्षा दीक्षा किस तरीके से दे रहे हैं, और 7 वर्ष की उम्र में ये जो है कथा वाचक बन चुकी हैं। तो अनुष्का जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, सबसे पहले हम आपके दर्शकों को प्रणाम करते हैं। आप 7 वर्ष की उम्र में एक कथावाचक बन चुकी हैं, इसका श्रेय आप किसको देंगी? ये सब जो है हमारे बड़े पिताजी जो है जी। इन्हीं के द्वारा हम कथा कहते हैं जी। और भगवान की कृपा है जी। आपका एक हमने जो है ढोल गवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जो ये विवादित बयान इस पे दिया गया है, रामचरितमानस की जो चौपाई है इस पे आपका हमने एक शब्दार्थ सुना है, वो हमारे दर्शकों को आप बताने का प्रयास करें। देखिए, इस समय जो है हमारा थोड़ा तबीयत खराब हो गया है, तो इसमें बोल नहीं पा रहे हैं। हमारे पिताजी से, बड़े पिताजी से जो भी पूछना है पूछ लीजिए। इसका अर्थ जो है, कुछ लोग गलत अर्थ लगा रहे हैं, तो वो अर्थ नहीं है। ताड़ना का अर्थ जानना होता है। ताड़ना का अर्थ मारना नहीं होता है। अच्छा, ये चौपाई किस भाषा में लिखी गई है, जो ढोल गवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है, अवध की भाषा में। अवध की भाषा में लिखी गई है, और अवधी भाषा में आज जब भी आप अयोध्या के तरफ रुख करेंगे तो वहाँ लोग अपनी भाषा में, वहाँ की जो लोकल भाषा है उस भाषा में कहा जाता है कि ताड़ना, ताड़ना मतलब जानने का एक प्रयास होता है, और ठीक इसका अपोजिट कर दिया गया है, ताड़ना मतलब मारने को प्रदर्शित किया जा रहा है। हमारे साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हमारे साथ अनुष्का पाठक जी जुड़ी थी और इनके परिवारजन से जानने का प्रयास करेंगे कि महज 7 वर्ष की उम्र में कौन सा ऐसा टेक्निक इस्तेमाल किए हैं कि अनुष्का पाठक एक कथा वाचक बन चुकी हैं। पीछे आप यहाँ देख सकते हैं इनकी जो गाड़ी है जिससे ये दूर दराज में जा करके कथा का जो है पाठ करती हैं, इसको आप देख सकते हैं। और किस तरीके से इनको जो है वेद और पुराण का ज्ञान हुआ, किस तरीके से आप जो है महज 7 वर्ष की उम्र में जब बच्चों का खेलने का समय होता है तो आपकी बालिका अनुष्का पाठक जी जो है कथा वाचिका बन जाती हैं, किस तरीके का प्रयास रहा? जी, सबसे पहले तो इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि सभी देशवासियों से अनुष्का जी को बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद मिल रहा है। तो हम आपसे बता दूं कि 5 वर्ष की उम्र में यह कथा सुनने के लिए गई थी रामकोला, और जो भी सुनी आधा घंटा के समय में, आधा घंटा सुनी और हमसे आकर के टोटल जो बात वहाँ सुनी थी बता दी। यहाँ तक कि श्लोक भी जो वहाँ सुनी थी वो भी पता नहीं कैसे माइंड में फिट हो गया, कंठस्थ हो गया।
और जब ये बताई तो खुद मैं आश्चर्य में पड़ गया कि ये श्लोक बार बार रगड़ करने से भी जल्दी याद नहीं होता है, लेकिन ये याद कैसे हो गया। फिर हम सोचे कि थोड़ा ये याद कर लो देखें, उसके बाद से बताती गई, जो भी मैं दे देता था याद करने के लिए इनको तुरंत याद होता था, देर नहीं लगती थी। और ये कहने लगे कि हमको भी मंच पर बैठा दीजिए, हम भी कथा कहना चाहती हूँ। मंच पे बैठने के लिए, कथा कहने के लिए अक्षरों को पहचानना होता है जी, पढ़ के जोड़ना होता है, वो किस तरीके से सीखी? पहले तो ये मंच पर जब बैठी तो उस समय पढ़ भी नहीं पा रही थी, केवल सुन करके जो याद हो गया था उसी को मंच पर बैठ करके कहने लगी, लेकिन धीरे धीरे ऑटोमेटिक पढ़ने भी लगी। अब तो संस्कृत जो है एकदम पढ़ती हैं, ढर्रा पढ़ लेती हैं, और अब बताने की इनको जरूरत नहीं पड़ती, अब स्वयं पढ़ती हैं और स्वयं कथा कहती हैं। तो इस वाक्य को आप किस नजरिए से देखते हैं, करत करत अभ्यासते या फिर भगवत कृपा? नहीं नहीं, कुछ तो भागवत कृपा है, क्योंकि पहले तो हम इनको ये भागवत कहने के लिए थोड़ी कहे कि तुम भागवत कहो, ये तो अपने आप कहे कि मैं भागवत कहूँगी, मैं लोगों को उपदेश करूँगी। तो हम लोग कहे भाई धर्म का काम है और कह रही हैं, तो इसमें कौन हस्तक्षेप करने जाए, तो ये तो भागवत कृपा ही है। और कुछ ये भी है भाई, करत करत अभ्यास को जड़ मत होत सुजान, तो अभ्यास भी कर रही हैं, क्योंकि ये खेलती वोलती नहीं है। और बच्चों को भी उपदेश देती हैं कि आप लोग जो है अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करें, अधिक से अधिक समय पढ़ने में बिताएं और कम समय खेलें। जहां अनुष्का पाठक जी लोगों को ज्ञान देती हैं, तो क्या इनके शिक्षा से संबंधित आप लोग इनका एडमिशन वगैरह स्कूलों में कराएं? जी अभी भाषण वोषण जब दी जा करके कई स्कूलों में 26 जनवरी 15 अगस्त पर, तो प्रबंधक जी लोग खुद पहले बुलाए भाषण देने के लिए, उसके बाद एडमिशन करने के लिए कहने लगे। लेकिन एक स्कूल में इनका अभी किसी जगह नाम नहीं चलता है, वैसे पास में जो स्कूल है उसमें 2-3 महीना गई होंगी, लेकिन कहीं मतलब ओरिजिनलिटी नाम इनका नहीं लिखाया गया है। ये क्योंकि वृंदावन जाने के लिए 6 महीना से कह रही हैं, तो इनको वृंदावन जाना है। अब एक दो कथा है इनका, एक 23 तारीख से कथा है और फिर अगले महीने 23 तारीख से कथा है, क्योंकि कथा तो कहें तो रोज़ का कथा है इनका, लेकिन अभी थोड़ा उतना हिम्मत नहीं है कि रोज़ कथा कहलवाया जाए इनसे। और इनका जब इच्छा होता है तो कहती हैं, तो इनका कहना है कि 1 महीने में 1 कथा ही मैं करूँगी, तो कथा ये करती हैं। तो यही 2 कथा के बाद हम कथा मतलब कोई कह रहे हैं तो अभी नहीं सकार रहे हैं कि वृंदावन चली जाएँ, थोड़ा घूम फिर लें, पढ़ भी लें जो पढ़ना है, तो उसके बाद से कथा तो जब कह रही हैं तो करना ही है, यही है। आपका पूरा प्लान साध्वी बनने का है क्या? साध्वी बनना चाहती हैं, कथावाचक बनना चाहती हैं? जी हम कथावाचक बनना चाहते हैं। चलिए धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी नए चेहरे के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।